एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में दुर्गा प्रसाद सैनी पिता चौथमल सैनी निवासी कुंडलेश्वर वार्ड ने शिकायत की है कि वह पटेल चैम्बर SBI के ATM में पैसा निकालने गए थे। पैसा निकालने के लिए उन्होंने ATM में ATM डाला, कोड डाला, पैसा नहीं निकला। पैसा नहीं निकलेगा ऐसा समझकर ATM खराब है या उसमें कुछ एरर है यह सोचकर वह मौके से चले गए। उसके बाद एक और लड़के ने ATM लगाया, उसने भी पैसे निकालने का प्रयास किया परंतु पैसे नहीं निकले, वो भी चला गया। फिर एक दादा जो आप देख रहे हैं उस लड़के के पीछे खड़े हैं, उस लड़के के जाने के बाद दादा ने ATM की तरफ देखा, उन्हें बाहर पैसे आते दिखे, उन्होंने पैसे निकाले, अपनी जेब में डाले और मौके से चले गए। पास में खड़े लड़के को भी उन्होंने कंधे पर हाथ मारा कि भाई वह उनकी हेल्प कर दे, पर लड़के ने उनकी तरफ देखा नहीं और उसके पश्चात वह पैसा जेब में लेकर दूसरे व्यक्ति का मौके से चले गए। अगर आप इन दादा को जानते हैं तो आप इन दादा से कहिए कि यह बैंक में जाकर पैसा लौटा दें, क्योंकि जहां ये हरकत कर रहे थे जो इन्होंने किया वो सब CCTV में कैद हो गया। बात छोटी सी है, पैसा 10,000 रुपये सैनी साहब ने निकाला था जो ATM से निकला लेकिन दादा ने रख लिया, ऐसा उनका कहना है। फुटेज में बैंक वालों को जब उन्होंने शिकायत की तो दिखाया कि किस तरीके से उनका ATM ने पैसा विड्रॉ करके बाहर दिया था, क्योंकि कई बार प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है ऐसा बैंक कर्मियों का कहना था। ऐसे में उन्होंने पेशेंस नहीं रखा सैनी साहब ने और चले गए। एक और लड़के ने पेशेंस नहीं रखा, उसके बाद दादा को उस चीज़ का फ़ायदा मिला, दादा ने वो पैसा उठाया, जेब में रखा और चले गए। ये एक क्राइम है, इस क्राइम के चलते उन पर, दादा पर जो दिख रहे हैं ये अज्ञात व्यक्ति हैं, इन्हें सैनी साहब नहीं जानते, दुर्गा प्रसाद सैनी नहीं जानते, उनका कहना है कि अज्ञात व्यक्ति हैं जिन्होंने उनका पैसा लिया और चले गए, इन पर अपराध दर्ज किया जाए। परंतु अगर ये दादा हमारा वीडियो देख रहे हैं या कोई इन्हें जानता हो तो इन्हें ज़रूर कहें कि ऐसा करना क्राइम की श्रेणी में आता है, दादा को ये पैसा बैंक को लौटा देना चाहिए था। छोटे से पैसे के लिए लालच में आना ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र इतनी है कि इनके बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, ऐसे में जब वह पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उन पर अपराध दर्ज होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो परिवार को भी अवमानना का सामना करना पड़ेगा और उनकी बदनामी होगी। छोटे से पैसे को लेकर लालच में आना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल दुर्गा प्रसाद सैनी ने इन व्यक्ति पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने या उनका पैसा लौटाने के लिए आवेदन दिया है और इस पूरे घटना को लेकर उन्होंने कैमरे पर बाइट भी दी है, जानकारी भी दी है, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। 6 मार्च को लगभग 3 बजे के आसपास मैं जलेबी चौक पे SBI ATM में गया था। हाँ, तो वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये निकालने गया था, ऑप्शन डाला मैंने, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी वो मेरे 10,000 रुपये नहीं निकले। मैंने OTP भी डाला था लेकिन वो नहीं निकले। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, बहुत देर तक के मैंने रास्ता देखा कि निकले नहीं निकले। अच्छा, आपने कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर दिया और फिर कैंसिल 2-3 बार कैंसिल करा मैंने, उसके बाद मैं चले गया जी। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद फिर मेरे एक से पूछा कि भाई वो पैसे 10,000 नहीं निकल रहे, तो बोले यार भैया 10,000 से कम निकालोगे तो निकल जाएंगे। तो फिर मैं रिटर्न आया, वो वापस में मैंने 9,000 डाले, वो 9,000 मेरे निकल गए जी और मैं 9,000 रुपये लेके भी चले गया। अब मेरे पास ये सब होने के बाद मेरे तो 9,000 का कोई मेरे पास मैसेज आया ना ही कोई और दूसरा मैसेज आया। फिर मैं करीब 17 तारीख के आसपास SBI बैंक में अपनी पासबुक में एंट्री करवाने गया। जब मैं एंट्री करवाने गया तो तब मुझे उसके अंदर 2 एंट्रियाँ दिखी, एक 10,000 भी मेरे खाते से निकले हैं और एक 9,000। जो 9,000 तो मैंने निकाले थे लेकिन 10,000 रुपये जो वो मैंने मुझे मिले ही नहीं। अब वो एंट्री कराने से मुझे पता चला कि वो भी मेरे अकाउंट से निकल गए, तो मैंने कैशियर से बोला कि भाई ये 10,000 की एंट्री कैसे हुई, मैंने तो मिले ही नहीं, मुझे तो निकले ही नहीं थे। तो बोले ठीक है आप एक आवेदन दे दो, आवेदन दे क्लियर करेंगे।
अब मैं 3 दिन बाद जाता हूँ तो मुझे वो वीडियो फुटेज दिखाते हैं, उसमें बताया गया है कि आपके पैसे निकले हैं लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस पैसे को लेके निकाल के लेके चले गया है। अब मुझे तो 10,000 रुपये का नुकसान हुआ और मेरा वो नुकसान की भरपाई मैंने बैंक के पास गया, बैंक वालों ने कहा कि आप इसकी कंप्लेंट डालो, बैंक की कार्रवाई थी कि आपका पैसा निकल गया है तो अब थाने में जाओ या कहीं भी इसकी कंप्लेंट डाला है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? मैं चाहता हूँ कि मेरे 10,000 मुझे मिले और वो जो व्यक्ति ले गया है वो व्यक्ति वो 10,000 रुपये मुझे दे, या तो बैंक दे या फिर वो व्यक्ति को पकड़ा जाए जिससे मेरे वो पैसे मुझे मिले। खाता किसका था? खाता मेरी पत्नी का था और उन्हीं का ATM में ले जाके और ये पैसे निकालने गया था। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सैनी है।